पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल, इंसदादे दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल, इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल और सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबाद ने बिल पेश किए। अपोजिशन का इजलास की कार्रवाई के दौरान एहतजाज, वोट को इज्जत दो के नारे लगाते रहे। FATF कानून साजी पाकिस्तान का इशू है, ग्रे लिस्ट हमें विरासत में मिली, ब्लैक लिस्ट में गए तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। कानून साजी के दौरान ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। ऑपोजिशन की 34 तरामीम का मतलब था नैब को दफन कर दो। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, बोले पूरी ऑपोजिशन बुरी नहीं, इनके लीडर्स बारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। Minister साहब, do you oppose it? Yes, sir, I do oppose it. जी। पढ़ ले, please. बोलने तो दो। पढ़ ले। आपको, Mr. Speaker. देखे। आप, Speaker. Mr. Speaker. हाँ, एक मिनट। मुझे, देखे ये Constitution. माशाल्लाह, आप मेरे करीवाल हैं, तो अभी से आप जो है ना अपना गला इतना खराब ना करें। मैं मेरी गले की फिक्र ना करो। दस्तूर की फिक्र करो, इस पार्लियामेंट की फिक्र करो। जी, पार्लियामेंट की फिक्र करो। इजलास में स्पीकर असद कैसर और सेनेटर मुश्ताक अहमद में नोक झोंक, आप दस्तूर के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद, आप अपना गला खराब ना करें, पहले बिल को अच्छी तरह पढ़ लें, मेरे गले की नहीं दस्तूर और पार्लियामान की फिक्र करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद और असद कैसर में मुकालमा, ऐवान ने सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी। पार्लियामानी सेक्रेटरी कमल शोजब की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सेनेटर रजा रब्बानी का बाबर आवान की जानिब से बिल पेश करने पर एतराज, कहते हैं डॉक्टर बाबर आवान मुशीर हैं, वजीर नहीं। मुशीर बाबर आवान ने बिल कैसे पेश किया? मुशीरों पर सिर्फ वोट देने की कदगन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में ये बात कहीं नहीं लिखी। रजा रब्बानी ने जिस अदालती फैसले का हवाला दिया, लिखा हुआ बता दें बाबर आवान मुशीर हैं, बिल पेश कर सकते हैं, फरोग नसीम का जवाब। जिस मौजूद मेंबर ने अमेंडमेंट मूव की हुई है उसको आप मौका दे सकते हैं। अगर उन्होंने अमेंडमेंट मूव नहीं की हुई तो कैसे बात करना चाहेंगे वो? ऑपोजिशन की जानिब से बिलावल भुट्टो को तकरीर की इजाजत देने के मुतालबे पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत, बोले जब बिलावल भुट्टो ने तरमीम पेश ही नहीं की तो बात कैसे कर सकते हैं? जिस मुअज्जज मेंबर ने तहरीक पेश की है सिर्फ उसे ही बिल पेश करने की इजाजत दी जाए। बिलावल भुट्टो को इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, ऐवान की कार्रवाई का वॉकआउट कर दिया। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई में ऐवान की तमाम रिवायात को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर के हवाले से बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके। पार्लियामानी जमहूरियत की तारीख में ये स्याह तरीन दिन था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, बिलावल भुट्टो बोले हमने मुशर्रफ और ज़िया का पार्लियामेंट देखा लेकिन कभी ऐसा गैर जमहूरी रवैया नहीं देखा, अब कोई गुंजाइश नहीं रही, हुकूमत को चलता करेंगे। सेनेट में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद कर दिया गया। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट पड़े। ऐवान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलदम तंजीमों की अमलाक मुंजमद करने की तफसीलात पेश। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं FATF ने हमें आज मफलूज किया हुआ है, आज पूरा सिस्टम FATF के मुतालबात पूरे करने में लगा हुआ है। दुनिया भर में मकबूल शोहरा आफाक तुर्क सीरीज़ अर्तुरुल गाजी में रोशान का किरदार अदा करने वाले अदाकार जावेद जेतन गनेर की पाकिस्तान आमद। तुर्क अदाकार ने अपने मद्दाहों को पाकिस्तान पहुंचने की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए थी। जावेद जेतन ने गुज़श्ता रोज़ अपने बोर्डिंग पास की तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। अर्तुरुल गाजी के मशहूर किरदार रोशान की इस्लामाबाद में सैर की वीडियो भी कैपिटल TV को मौसूल।